नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षुकों को दी जाने वाली सुविधा को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति वास्तव में समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भिक्षावृत्ति किसी भी स्वच्छ और सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा जो प्रस्तुति की गई है, भिक्षावृत्ति के प्रत्येक सामाजिक पहलुओं को टच करता है और बताता है कि किस प्रकार से भिक्षा मांगने वाले लोगों को अपमानित होना पड़ता है। इसलिए भिक्षावृत्ति बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री भिक्षा निवृत्ति निवारण योजना के तहत आज जागरूकता के लिए यहां से टीम निकल रही है। टारगेट है कि लहरिया सराय बस स्टैंड और बाकी परिसर में भिक्षावृत्ति को दूर किया जाए। नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा भी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुति की गई है, जिसमें भिक्षावृत्ति की सभी बुराइयों को और उनके पुनर्वास के जितने भी संभावनाएं हैं उसके बारे में दिखाया गया है। सहायक निदेशक जो नेहा हैं, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही मेहनत करके इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। हमारे साथ जालसा के सचिव जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, तो सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सकारात्मक संदेश जाएगा और भिक्षावृत्ति की बुराई को हम लोग जिले से मिटाने में सफल होंगे। उपस्थित सारे ऑफिसर, जैसा कि ये प्रोग्राम है, ये योजना का जो लाभ जो दिया जा रहा है, ये अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द डालसा, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना। आई एम थैंकफुल टू डीएम साहब। और ये जो योजना है, इसके तहत जो ये प्रोग्राम जो शुरुआत होने जा रहा है, आशा करते हैं कि ये काफ़ी सफल रहेगा और समाज में एक मैसेज भी जाएगा जिसके तहत लोगों में ये जागरूकता फैलेगा। और हमारे जो नुक्कड़ नाटक के जो ये कलाकार लोग हैं, थैंकफुल टू देम ऑल्सो, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। समाज में एक मैसेज जाए और लोग जागरूक हों और जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसका लोगों तक लाभ पहुँचे, ही आशा के साथ मैं आशा करता हूँ कि कार्यक्रम बहुत सफल रहे। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत आज यहाँ जो कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है, और इसमें जो उपस्थित हैं हमारे डालसा के सचिव ADSS नेहा और माँ की पदाधिकारी, वास्तव में ये समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भिक्षावृत्ति किसी भी स्वच्छ और सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। और जो अभी नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा प्रस्तुति दी गई, वो भिक्षावृत्ति के प्रत्येक सामाजिक पहलुओं को टच करता है और बताता है कि किस प्रकार से भिक्षा मांगने वाले का अपमान तो होता ही है, साथ ही साथ उनके अपने परिवार पे, उनके अपने जीवन पे भी बुरा असर पड़ता है। भिक्षावृत्ति को और गहराई से देखिएगा तो ये सामाजिक के साथ साथ मानसिक बुराइयों में शामिल है और इसके कारण कई सारी अन्य बुराइयां पनपती हैं। मैं अगर सही ढंग से याद कर पा रहा हूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग आदर्श बापू के नाम से जानते हैं, कलकत्ता के काली मंदिर के पास बैठे हुए सभी भिक्षुकों के भिक्षा पात्र में जो दान दी गई राशि थी उसको उठा के वो फेंक दिए थे। और फेंकने के बाद लोगों ने उनसे पूछा, उस समय के जो भी लोग थे, कि आपने भिक्षुकों का जो भिक्षा पात्र में मिला हुआ था आप दिए नहीं और उल्टे उठा के फेंक दिए। बोले कि वो जो था वो बिना श्रम का था, अब जो फेंक दिए उसके बाद जो वो चुन रहा है, कम से कम उतना श्रम तो उसमें शामिल हो गया है। तो ये उस चीज को दर्शाता है। और बड़ी बुराइयों की तरह देखेंगे तो अब कई सारे आपराधिक गैंग सक्रिय हैं बड़े बड़े शहरों में, जो बच्चों के अपहरण से लेकर के उसका अंग भंग तक करवाने से पीछे नहीं हटते हैं। कई सारी फिल्मों में उसका चित्रांकन किया गया है कि सही सलामत बच्चे का कभी आंख फोड़ दिया जाता है, कभी हाथ काट दिया जाता है, कभी पैर काट दिया जाता है, ताकि दूसरों की संवेदना विकलांगता की आड़ में जगा करके अधिक भिक्षावृत्ति से कमाई की जा सके। और जो वो लोग कमा के लाते हैं, बाद में उन सब लोगों का
फिर से अपराध में इस्तेमाल होता है, नशा पान में इस्तेमाल होता है और कई गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इस बुराई को समाप्त करने की आवश्यकता है और बिहार सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत, भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान के तहत, इस अभियान को हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। ये देखिएगा कि बहुत ही संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। कई बार लगता है कि देने वाला आदमी जो हो वही बहुत महान, लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखिएगा, जो भिक्षा दान करता है वो दूसरे का आत्मसम्मान छीन लेता है। ऐसी स्थिति में जितना गुनाह भिक्षावृत्ति मांगने वाले का है उतना ही गुनाह देने वाले का है। वो कोई महान नहीं, वो जो संपूर्ण परिदृश्य को देख नहीं पाता है। कई बार मैं दान देने वाले या लेने वाले किसी के भी तत्कालिक सोच पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, तत्कालिक समझ पे नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप पूरे कैनवेस को, पूरे स्पेक्ट्रम को बृहद तरीके से वो नहीं देख पाता है। इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो नुक्कड़ नाटक की टीम ने कई सारी योजनाओं की बात की। नई पीढ़ी चाहे किसी की भी हो, चाहे भिक्षुकों के परिवार से भी क्यों नहीं हो, उसे पूरा हक है विद्यालय जाने का, उसे पूरा हक है भारत और राज्य के विकास में योगदान देने का। तो हमें जरूरत है एक स्वच्छ समाज के नाते उन सबको हम जोड़ें, मुख्य धारा में जोड़ें और इसको जो एक सकारात्मक पहल के साथ समाप्त करने की बात है, उन्हें रोजगार से जोड़ने की बात है, सरकार के विकासोन्मुख और कल्याणकारी जितने भी पेंशन की स्कीम है, बाकी रोजगार की स्कीम है, बाकी सारी चीजें हैं, उस सब से अगर हम जोड़ दें तो बस जरूरत एक बात की होती है, स्वावलंबन की, आत्मबल की। वो जगाने के लिए आप लोग ये अभियान चला रहे हैं। ये अगर जुड़ गया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी भिक्षावृत्ति में बना रहना चाहेगा या बना रहेगा। मैं आज सुबह ही एक छोटी सी कहानी देख रहा था कि एक आदमी था, वो भीख मांगता था, उसे लगता था कि ईश्वर ने उसके साथ बड़ा अत्याचार किया है, उसे बहुत गरीब बनाया है, वो रोज चौराहे पे बैठ करके कि दाता के नाम पे दे दे और बाकी सारा जो गाना बजे आप लोग गा रहे थे। तो एक आदमी इसी प्रकार से जो अभी इन्होंने भूमिका निभाई कि विद्यालय, ये शिक्षित व्यक्ति था और सभ्य समाज से जुड़ा हुआ था, वो कहा और गया कि अरे इतना अमीर होकर के तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम अपनी चीजें बेचो। और भिक्षावृत्ति से तो कहा कि अरे आप क्यों मजाक गरीब का उठाते हैं, हमारे पास बेचने को अगर कुछ रहता तो हम यहाँ भीख मांग रहे होते, दाता आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी दोनों हाथ अगर 5,000-5,000 रुपये में बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा, 5,000-5,000 रुपये में अपने दोनों हाथ बेच दो। वो नहीं तैयार हुआ, कहा चलो 10-10।